शिवसेना नेता संजय राउत ने इंदिरा गांधी पर बयान देकर महाराष्ट्र में गठबंधन में शामिल कांग्रेस से ही दुश्मनी मोल ले ली। राउत के बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने राउत के बयान पर तीखा हमला किया। बीते दिनों ही कांग्रेस नेता संजय निरुपम और मिलिंद देवरा ने राउत को सख्त हिदायत दी थी। उसके बाद अब कांग्रेस के नेता और उद्धव सरकार में मंत्री नितिन राउत ने संजय राउत को सख्त लहजे में धमकी दी है। नितिन राउत ने कहा है कि हम बीजेपी की तरह सरकार में रहते हुए संजय राउत की इस तरह की बयानबाजी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता नितिन राउत ने कहा कि इंदिरा गांधी हमारी नेता और आदर्श थी। संजय राउत बीजेपी के खिलाफ तब भी टिप्पणी करते थे जब वे सरकार का हिस्सा थे, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि हम उनकी तरह सुनते रहेंगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान की माने तो संजय राउत अपने भाई को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं और इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल संजय राउत ने दावा किया था कि इंदिरा गांधी डॉन करीम लाला से मुलाकात करती थी, लेकिन जब उनके बयान पर कांग्रेस आग बबूला हुई तो बाद में उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस नेता लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। अब देखना है कि राउत के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत किस ओर करवट लेती है, क्योंकि अभी तो शिवसेना नेताओं की ये शुरुआत है, आगे और भी झेलना है। शिवसेना नेता संजय राउत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर काफी बवाल हुआ। कांग्रेस ने शिवसेना को सख्त लहजे में कहा कि कांग्रेस ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत ने भी संजय राउत को जमकर धोया। मामले को बढ़ता देख शरद पवार ने संजय राउत से बात की, जिसके बाद संजय राउत ने अपने बयान को वापस ले लिया। तो वहीं उद्धव ठाकरे को उनकी कुर्सी जाने का डर सताने लगा, जिसके बाद कांग्रेस को खुश करने के लिए शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इंदिरा गांधी की तारीफ में कसीदे गढ़ दिए। शिवसेना ने कहा कि उन्होंने हमेशा इंदिरा गांधी का सम्मान किया है। जब भी उनकी छवि खराब करने के प्रयास हुए तब शिवसेना ने एक ढाल की तरह काम किया। सामना के जरिए शिवसेना ने यह भी कहा कि इंदिरा जी शक्तिशाली नेता थी, उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े करके विभाजन का बदला लिया। सामना के संपादकीय में यह भी कहा गया कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी वह किसी से मिलती थी यह विवाद का मुद्दा नहीं हो सकता। एक प्रधानमंत्री के तौर पर अलगाववादियों से भी बात करनी पड़ सकती है। इस तरह की बातचीत हाल के दिनों में भी हुई थी। दरअसल संजय राउत ने कहा था कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी डॉन करीम लाला से मिलने मुंबई आती थी। शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई विशेष काम नहीं है, इसलिए वे अब पुराने मुद्दे उठाने लगे हैं। राजनीति में कौन कब किससे मिलेगा और मिलने की परिस्थिति बन जाएगी ये नहीं कहा जा सकता। बहरहाल उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे पूरी तरह से कांग्रेस के रंग में रंग चुके हैं। कहा जा रहा था कि गांधी परिवार शिवसेना से नाराज है, क्योंकि संजय राउत ने सीधे इंदिरा गांधी पर ही उंगली उठा दी थी। यही वजह है कि अगले दिन ही शिवसेना ने सामना के जरिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। फिलहाल कांग्रेस के सामने शिवसेना भीगी बिल्ली बन गई है। पिछले कुछ समय से मलेशिया भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। मलेशियाई प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद लगातार भारत के खिलाफ बोल रहे थे। पीएम महातीर ने पहले अनुच्छेद 370 और अब नागरिकता कानून को लेकर भारत सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। बता दें कि महातीर ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया है। उसके बाद सीएए को लेकर महातीर ने कहा कि भारत सरकार अशांति को बढ़ावा दे रही है, जिसके बाद भारत ने मलेशिया को संभल कर बोलने की चेतावनी दी थी और भारत ने सख्त रुख दिखाते हुए मलेशिया के साथ व्यापार को कम कर दिया। भारत सरकार ने मलेशिया के रिफाइंड पाम ऑयल और पामोलिन के आयात पर रोक लगा दिया था,
जिसके बाद मलेशियाई बाजार में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत मलेशिया का सबसे बड़ा ग्राहक था। पाम ऑयल के बाद भारत ने माइक्रो प्रोसेसर चिप पर भी रोक लगाने की तैयारी में है। मोदी सरकार के फैसले से मलेशिया को ऐसा झटका लगा कि मलेशिया ने इस बारे में भारत से बातचीत शुरू कर दी है। मलेशिया की प्राइम इंडस्ट्री मिनिस्टर टेरेसा कॉक ने कहा कि वह इस बारे में भारत से बात कर रही है। उन्होंने कहा कि वह इस मसले पर मलेशिया में भारत उच्चायुक्त से संपर्क में है। भारत के फैसले से हम काफी चिंतित हैं। फिलहाल मलेशिया भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। मलेशिया के लिए पाम ऑयल कारोबार कितना महत्वपूर्ण है, इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि वहाँ की जीडीपी में 2.5% और कुल निर्यात में 4.5% हिस्सा है। बहरहाल मलेशिया को अब समझ आ गया है कि ये न्यू इंडिया है, जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी करे फैसले लेने में देर नहीं करते। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। ईडी ने वाड्रा पर जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। दरअसल बीकानेर में जमीन खरीदने को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने जांच टीम को बताया कि उन्होंने गूगल मैप के जरिए जमीन खरीदी थी। प्रॉपर्टी खरीद के बाद उनके सहयोगी महेश नागर ने जमीन की रजिस्ट्री के कागजात उन्हें सौंपे थे। बता दें कि महेश नागर हरियाणा में कांग्रेस के विधायक ललित नागर के भाई हैं। महेश नागर ही रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि थे। प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने नागर के सहयोग से राजस्थान में 4 जमीनें खरीदी और फिर उन्हें बहुत बड़े फायदे के साथ अलीगिनी फाइनलीज प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी। वाड्रा के सहयोगी नागर के बयान के बाद वाड्रा से कई बार पूछताछ हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जमीन खरीद में पैसों का लेन देन कैसे हुआ, इसको लेकर वाड्रा लगातार गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वाड्रा ने जिस जमीन की डील की थी वह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विस्थापित हुए परिजनों के पुनर्वास के लिए आरक्षित थी। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने वाड्रा की करोड़ों की संपत्ति जब्त की। रॉबर्ट वाड्रा के दिल्ली में सुखदेव बिहार स्थित घर को भी जांच एजेंसी ने सील कर दिया। इसके अलावा कुछ अन्य संपत्तियों को भी सील कर दिया गया है। इसकी कीमत 4.62 करोड़ बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीकानेर लैंड डील में हुए फायदे से वाड्रा ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। दिल्ली में चुनावी पारा काफी गर्म है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनावी रणनीति बना रही है। केजरीवाल ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और अब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद पार्टी में खींचतान का दौर शुरू हो गया। पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर कई विधायकों में असंतोष है। कुछ विधायकों ने तो केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने 15 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है। इसमें से कई विधायक खुलकर पार्टी नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल को हराने के लिए उन्हीं के विधायक मैदान में उतर गए हैं। टिकट कटने पर बदरपुर से विधायक एनडी शर्मा ने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शर्मा ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शर्मा ने केजरीवाल और सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम ने 21 करोड़ रुपए में बदरपुर विधानसभा का टिकट राम सिंह नेताजी को बेचा है। आपको बता दें कि शर्मा के अलावा भी कई विधायकों ने टिकट बंटवारे पर खुलकर नाराजगी जताई है, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि वे सभी विधायक भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और उम्मीद है कि वे हमारे परिवार के साथ ही बने रहेंगे। केजरीवाल कुछ भी दावा करें, लेकिन मामला कुछ और ही दिख रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले केजरीवाल पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है, जिससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई, क्योंकि राउत ने पूर्व पीएम और कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि वो मुंबई में डॉन करीम लाला से मिलती थी। संजय राउत को जब तक गलती का एहसास हुआ तब तक बवाल हो चुका था। विवाद बढ़ा तो राउत ने बयान तो वापस ले लिया, लेकिन बीजेपी को
कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए बैठे बिठाए मौका मिल गया। इसको लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस से कई सवाल किए, जिसका जवाब देना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया, जिसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाला और संजय राउत पर हमला किया। कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा गया कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि संजय राउत स्पष्ट वक्ता हैं और उन्हें यह नहीं पता कि उन्होंने किस संदर्भ में यह बात कही है। चौहान ने यह भी कहा कि भाई को मंत्री नहीं बनाए जाने से संजय राउत की नाराज होने की चर्चा है। पृथ्वीराज चौहान ने यह भी कहा कि राउत ने किस संदर्भ में यह बयान दिया मुझे नहीं पता, उन्होंने बयान वापस ले लिया तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। बहरहाल संजय राउत फिलहाल कांग्रेस के दबाव में बयान वापस ले लिया और गांधी परिवार को खुश करने के लिए शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय के जरिए इंदिरा गांधी की तारीफ में भारी भरकम लेख छापा गया। अब शिवसेना कितना भी लिपापोती कर ले, लेकिन कांग्रेस का पोल जरूर खुल गया। देश को पता चल गया कि कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात डॉन करीम लाला से भी हुई थी। संजय राउत ने अपना काम कर दिया, अब कांग्रेस को हमेशा इन आरोपों से जूझना होगा कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी डॉन करीम लाला से क्यों मिलती थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब वक्त कम है, ऐसे में पार्टियां एक दूसरे को पटकनी देने के लिए पूरी तरह तैयार है। केजरीवाल ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं, तो अब बारी बीजेपी और कांग्रेस की है। कांग्रेस इस बार केजरीवाल को चुनावी रण में मात देने के लिए नए प्लान के साथ मैदान में उतरने जा रही है और इससे फायदा बीजेपी को होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बेटी लतिका को उम्मीदवार बना सकती है। शीला दीक्षित भी इसी सीट से चुनाव लड़ती रही हैं। पार्टी सूत्रों के माने तो दिल्ली की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए इन दिनों बैठकों का मैराथन दौड़ जारी है और जल्द ही उम्मीदवारों पर फैसला हो जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चा वीवीआईपी माने जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए विशेष तौर पर मंथन चल रहा है, क्योंकि इस सीट पर उम्मीदवार खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में कांग्रेस यहां केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित की बेटी लतिका को भी उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। पार्टी की सोच है कि लतिका को शीला दीक्षित के प्रति सहानुभूति रखने वाले मतदाताओं का वोट मिल सकता है। बताया जा रहा है कि इस सीट से वरिष्ठ पार्टी नेता रोमेश सवरवाल की भी दावेदारी है। कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि अगर चांदनी चौक सीट पर पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल या उनके बेटे मुदित अग्रवाल को टिकट दे दिया जाता है तो अलका लांबा को नई दिल्ली सीट से उतारा जा सकता है। ऐसे में नई दिल्ली सीट की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। अगर यहां से शीला दीक्षित की बेटी मैदान में उतरती है तो इसका फायदा बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल और कांग्रेस के वोट एक जैसे हैं और दोनों पार्टियों में वोट बंटते हैं तो सीधे तौर पर बीजेपी नई दिल्ली सीट से बाजी मार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।